सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी। मैं अपन बढ़िया अर्पित, आप सभी का स्वागत करता हूँ अर्पित दिस में। एंड आज के वीडियो में जो है मैं आपको पांच बेस्ट यूज़ बताने वाला हूँ सी पिकल के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भाई सी पिकल का यूज़ ही पता नहीं है माइनक्राफ्ट में। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को, तो किस तरीके से आप सी पिकल्स का यूज़ कर सकते हो माइनक्राफ्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो नंबर वन है सी पिकल्स, बेसिकली आपको अंडर वाटर ईजी से मिल जाएंगे। एंड इनका यूज़ आप अंडर वाटर लाइटनिंग के लिए कर सकते हो। जैसे मैं अभी अंडर वाटर हूँ, यहाँ से मैं जो एक सी पिकल लूँगा और मैं उसको यहाँ पे रख दूंगा, तो इससे जो है गाइस अगर आप देख सको तो लाइटनिंग यहाँ पे बढ़ जाती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है नाइट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। हम कर देंगे भाई बिल्कुल मिडनाइट। तो देखो मैंने मिडनाइट कर दिया है एंड सी पिकल वाला एरिया आप देख सकते हो कि जगमगा रहा है भाई, रोशन हो रहा है। तो आप जो है अंडर वाटर लाइटनिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनमें क्या होता है, जैसे आपने एक सी पिकल लगाया तो देखिए इसकी लाइट कितनी ज़्यादा कम है, तो अगर आप दो लगाएंगे तो ये लाइट बढ़ जाएगी, अगर आप तीन लगाएंगे तो और बढ़ जाएगी, और आप एक और लगा देंगे चार तो और बढ़ जाएगी। बेसिकली ये जो है चार के झुंड में पाया जाता है सी पिकल, चार झुंड हो सकते हैं, मतलब चार सी पिकल हो सकते हैं एक साथ में। ठीक है, बाकी इनकी कॉलोनीज पाई जाती है एक साथ। तो देखो मैंने लगाया और आप लाइट देख सकते हो किस तरीके से इतनी अच्छी लाइट है। तो अंडर वाटर आप इनका यूज़ कर सकते हो लाइटनिंग के लिए। तो चलिए अब मैं जो है आपको इनका दूसरा यूज़ बताता हूँ, उससे पहले जो है हम सबसे पहले भाई कर लेते हैं यहाँ पे डे। तो देखिए दूसरा यूज़ बहुत सिंपल है, तो हम जाएंगे सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे एक फर्नेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं भाई सर्च कर लेता हूँ, ये रहेगा इस हमारी फर्नेंस। तो आ जाओ भाई फर्नेंस, तो हमने फर्नेंस ले लिया है, एक जो है हम कोल ले लेते हैं। ठीक है, ताकि मैं बर्न कर सकूँ। तो ये रहा हमारा कोल आ गया, तो हम फर्नेंस रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम सी पिकल को तो ऊपर डाल देंगे एंड हम कोल को डाल देंगे एज अ फ्यूल। तो पता है आपको अगर हम जो है सी पिकल को डाल देते हैं फर्नेंस में तो क्या बनता है, अभी दिखाते हैं आपको, बन जाने दीजिए। तो ये सी पिकल का यूज़ करके आप लाइम बना सकते हो। ठीक है, तो सी पिकल का सेकंड यूज़ ये है कि सी पिकल को अगर आप फर्नेंस में डालोगे एंड नीचे बर्न करने के लिए फ्यूल डालोगे तो इससे आप लाइम डाई बना सकते हो, जो कि बहुत यूज़फुल है। लाइम डाई डायरेक्ट बन जाएगी इससे, हालांकि और तरीक़ों से भी बन सकती है, बट जब इतनी ईजी से बन रही है डायरेक्ट डाल के तो क्यों नहीं बनाना भाई, हमको डेफिनेटली बनाना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को दो यूज़ बता दिए। तो गाइस अब जो है मैं आप लोगों को कुछ यूनिक यूजेस बताने वाला हूँ, ठीक है, जो बहुत सारे यूट्यूबर यूज़ करते हैं ना, वहाँ से मैं आप लोगों के लिए पिकअप करके लाया हूँ। बेसिकली सी पिकल के कोई इतने ज़्यादा यूजेस नहीं है, बट अगर आप इसको क्रिएटिव तरीके से यूज़ करोगे तो बहुत सारे यूजेज है। तो हमारे थर्ड नंबर से लेके फिफ्थ नंबर तक जो होंगे सारे क्रिएटिव होने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला जो इसका क्रिएटिव यूज़ है, यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत सारे सी पिकल्स रखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज़ करके एक टेम्प्ररी वॉल बना सकते हो। जी हाँ, आप इनका यूज़ करके इस तरीके से एक वॉल बना सकते हो। आप जो है यहाँ पे बीच में अपना बेड रख सकते हो और उसके चारों तरफ आप लोग सी पिकल्स लगा देंगे। तो बेसिकली एक टेम्प्रेरी वॉल की तरह ये काम करता है एंड मैंने बहुत सारे क्रिएटिव यूट्यूबरों में देखा है, मैंने कहा भाई ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करेगा, और ये ब्लॉक करता है चीज़ों को, तो आप यूज़ कर सकते हो इसका। पर ये टेम्प्रेरी है, इसके ऊपर आप जो है कुछ सेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, चार लगा सकते हो आप एक साथ में, जिससे कि थोड़ा और भरा भरा लगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई चार कॉलोनी यानी कि चार सी पिकल्स आप एक साथ लगा सकते हो। तो देखो किस तरीके से वॉल जैसा यहाँ पे बन चुका है एंड ये थोड़ी आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, तो इसका यूज़ कर सकते हो आप सेफ्टी वॉल के लिए। अब ये एक क्रिएटिव यूज़ है। चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट यूज़ की तरफ। तो बहुत सिंपल है गाइस, आप इसका नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो एज अ एक्सेसरी। अब ये दिखने में किस जैसा लगता है, तो सबसे पहले तो भाई मैं जो है ये बारिश बंद कर दूँ, मैं परेशान हो गया हूँ इस बारिश की वजह से। अब जैसे कि आपने किचन डिज़ाइन किया है अपने माइनक्राफ्ट में, तो आप इसको एज अ ग्लास या जो टी कप होता है उसकी तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सी पिकल बाहर उसी की तरह दिखाई देता है। मैं आपको रख के दिखाता हूँ, देखिए तो ये जो जापानीज टी कप वगैरह होते हैं उनकी तरह नज़र आता है। और अगर आप जो है इसको अपने किचन में रखोगे इस तरीके से माइनक्राफ्ट में, जो आपने किचन डिज़ाइन किया है, तो एक ग्लास जैसा नज़र आएगा और बहुत सुंदर लगता है। तो एज अ एक्सेसरी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सी पिकल का ये एक अच्छा यूज़ है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप डेफिनेटली किचन बनाइएगा और उसमें रख के देखिएगा, बेस्ट चीज़ है, क्योंकि माइनक्राफ्ट में ऐसी चीज़ें बहुत कम आती है इस साइज़ की एंड इस लुकिंग की। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो।
अब जो है गाइस हमारा लास्ट यूज़। तो लास्ट यूज़ के लिए अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे किसी वेपन की ज़रूरत है और आपके पास वेपन नहीं है, तो आप सी पिकल को भी एज अ वेपन यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे इस मकड़ी को हिट करके बताता हूँ आपको, इसका भी थोड़ा सा जो है डैमेज होता है। एंड ये सबसे बेस्ट किस पे काम करता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो चिकन्स होते हैं जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं, उनके ऊपर आप बहुत ही अच्छी तरीके से वॉर कर सकते हो सी पिकल से। एंड अगर आप उनको लगभग 3 या 5 बार हिट करेंगे तो ईजी से मर जाते हैं इतनी जल्दी हिट। तो ये सी पिकल जो है भाई बहुत अच्छा अटैक करता है यहाँ पे, तो आप यूज कर सकते हो इसका एज अटैक करने के लिए भी जब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला आपको। मैं गरीब हूँ, सी पिकल्स मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे गाइस आज 5 यूनिक तरीके जो मैंने आपको बताए हैं सी पिकल्स यूज करने के। अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो अर्पित दिस पे तो सब्सक्राइब कर लो अर्पित दिस फॉर मोर अमेजिंग गेमिंग कंटेंट के लिए। और ये भाई हमारा घर कैसे आ गया इसमें, ये घर जो है हमारा जो है जावा एडिशन में, आप लोगों को याद होगा डेफिनेटली, तो इसी में हमने हमारा जावा एडिशन में घर बनाया हुआ है। अभी तो हम जो है एक विलेज में है, तो इस वाले मोड में हमारा घर नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।